गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबा से ललिता हूँ। आज मैं कक्षा आठवीं विषय हिंदी पाठ आठ गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। गणितज्ञ वो कौन है? आर्यभट्ट ज्योतिषी है ना, वो आर्यभट्ट है जो गणितज्ञ के ज्योतिषी है। तो आज हम उनके बारे में पाठ पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब खोलेंगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको सुनेंगे। अब सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय करते हैं। भारतीय संस्कृति के उन्नायक, विश्व के समक्ष गणितज्ञ और ज्योतिष के क्षेत्र में भारत की धाक जमाने वाले आर्यभट्ट का नाम बहुत गौरव के साथ लिया जाता है। ये बचपन से ही मेधावी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे। गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में अनेक ग्रह, अनेक ध्रुव तथ्यों की जानकारी सब प्रमाण प्रस्तुत करके विश्व प्रसिद्ध हो गए। कौन? आर्यभट्ट, जो गणित के ज्योतिषी थे। आज से करीब 1.5 साल पहले की बात है, 1500 साल पहले की बात है। उस जमाने में आज के पटना शहर को पाटलिपुत्र कहते थे। पटना शहर को क्या कहते थे? पाटलिपुत्र। यह बहुत बड़ा नगर था। नगर में बहुत से बाग बगीचे थे। फूलों की अधिकता के कारण इस नगर को लोग कुसुमपुर भी कहते थे। मतलब वहाँ पर फूलों की अधिकता होने के कारण वहाँ के जो लोग थे उसे पाटलिपुत्र को क्या कहते थे? कुसुमपुर। पाटलिपुत्र नगर नंदमोहन और गुप्त सम्राटों की राजधानी रहा। जो पाटलिपुत्र नगर था वो नंद मौर्य और गुप्त सम्राटों की राजधानी रहा। दूर दूर तक इस नगर की कीर्ति फैली हुई थी। राजधानी होने से देश भर के प्रतिष्ठित पंडित यहाँ एकत्रित होते थे। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय भी पटना से ज्यादा दूर नहीं था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो भी पटना से ज्यादा दूर नहीं था। देश के ही नहीं दूसरे देशों के विद्यार्थी भी विशेष अध्ययन के लिए नालंदा और पाटलिपुत्र आते थे। जो उस देश के नहीं दूसरे देश के भी जो विद्यार्थी थे वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र में आते थे। उस समय पाटलिपुत्र नगर ज्योतिष के अध्ययन के लिए मशहूर था। इसी नगर की बात है, उस दिन सवेरे से ही नगर में काफी चहल पहल थी। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम की ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बात ही ऐसी थी, उस दिन अपराह्न में सूर्य को ग्रहण लगने वाला था। मतलब दोपहर के टाइम सूर्य को ग्रहण लगने वाला था। भरी दोपहर में धरती पर अंधकार छा जाने लगा, है ना। भरी दोपहर में धरती पर क्या छाने वाला था? अंधकार। ब्राह्मण पुरोहित लोगों को बता रहे थे राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है। जो राहु नाम का राक्षस होता है वो सूर्य को निगल जाता है, तब ग्रहण लगता है। ग्रहण कब लगता है? जब जो राहु नाम का जो राक्षस होता है और जो सूर्य को निगल जाता है उस टाइम क्या लगता है? ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय उपवास रखो, खूब दान पुण्य करो, तभी इस राक्षस के चुंगल से सूर्य देवता को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। जब ग्रहण लगता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? उपवास रखना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से जो राक्षस होता है वो सूर्य देवताओं को जल्दी से जल्दी मुक्त कर देता है। सभी ओर आवाजें सुनाई दे रही थी, दे दान दो छूट गिरा। लोग डरे हुए थे। नगर में धनी वाले लोग सवेरे से ही दान दक्षिणा में जुटे हुए थे। जो नगर के जो दानी लोग रहते हैं, जो अमीर लोग होते वे सवेरे से दान करने में जुटे हुए थे। मगर पाटलिपुत्र नगर में थोड़ी दूर के एक आश्रम में कुछ दूसरा ही माहौल था। पाटलिपुत्र आश्रम में कुछ दूसरा ही माहौल था। आश्रम एक टीले पर था, मतलब ऊंचे टीले पर था। वहां भी बड़ी चहल पहल थी, लेकिन यह चहल पहल कुछ दूसरे प्रकार की थी। जो यह चहल पहल थी वो कुछ दूसरे प्रकार की थी। यह आश्रम भी कुछ अलग किस्म का था। टीले पर बसे उस आश्रम में लंबे चौड़े आंगन में
बैठे हुए थे, वे चर्चा कर रहे थे कि ग्रहण क्यों लगता है। तो वह कह रहे थे कुछ धर्मों में लिखा हुआ है जो राहु नाम का राक्षस है सूर्य और चंद्रमा को निगल जाता है। हमें धर्म ग्रंथों की बातों पर यकीन करना चाहिए, हमें जो पुराने धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उन बातों पर हमें यकीन करना चाहिए। मगर वहां एक तरुण विद्यार्थी ऐसा भी था जो कि अपने विद्यार्थियों को समझा रहा था, पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। वहां पर जो विद्यार्थी था बैठा हुआ था, क्या तरुण नाम का विद्यार्थी था जो बैठा हुआ था और अपने सहपाठियों को समझा रहा था, पृथ्वी की बड़ी छाया, पृथ्वी की जो बड़ी छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। इसी प्रकार चंद्र जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है और वह सूर्य को ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है। आए समझ में? जो चंद्रमा होता है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है और सूर्य को ढक लेता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। आज भी ऐसा ही होने वाला है, कोई राहु नाम का राक्षस सूर्य को निकल जाता है ऐसी किंवदंति है। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले उस तरुण पंडित का नाम था आर्यभट्ट। अब आया है आर्यभट्ट, जो उनका नाम बचपन में क्या था? तरुण, जो ऐसी लोगों को बता रहे थे कि ऐसा होता है तो चंद्र ग्रहण होता है, इस टाइप से होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और भी तरुण नाम का पंडित कौन निकला? आर्यभट्ट। कभी कभी लोग उसे आर्यभट्ट के नाम से पुकारते थे मगर उनका सही नाम आर्यभट्ट ही था। भट्ट का मतलब योद्धा, भट्ट का मतलब क्या होता है? योद्धा। सचमुच ही आर्यभट्ट परंपरागत गलत मान्यताओं के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे। जो आर्यभट्ट थे, जो गलत परंपराएं चलती थी उनके खिलाफ जीवन भर लड़ते थे। आर्यभट्ट दक्षिणापथ में गोदावरी तट क्षेत्र के अश्मक जनपद में पैदा हो गए थे। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यभट्ट दक्षिणापथ में गोदावरी नदी के किनारे अश्मक जनपद में पैदा हुए थे, इसलिए बाद में अशोकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन से नाम से? अशोकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही वे तेज बुद्धि के थे, आर्यभट्ट थे वो बचपन से ही तेज बुद्धि के थे। गणित एवं ज्योतिषी के अध्ययन में उनकी गहरी रुचि थी। उनकी कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा गहरी रुचि थी? गणित और बुद्धि में। इन विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए वे अपने अश्वक जनपद से ही दूर पाटलिपुत्र पहुंचे। कहां पहुंचे? पाटलिपुत्र में। आर्यभट्ट आंख मूंद कर पुरानी गलत बातें मानने को तैयार नहीं थे और अपने विचार बेहिचक प्रस्तुत कर देते थे। ग्रहणों के बारे में ही नहीं, आकाश की दूसरी अन्य घटनाओं के बारे में उनके अपने स्वतंत्र विचार थे। वे जब उन्हें कोई भी बात गलत लगती, कोई भी विचार गलत रखता तो वे अपनी बात प्रस्तुत करते थे और पुराने जो जाति धर्म ग्रंथों के बारे में विश्वास नहीं करते थे। उस जमाने में प्रायः सभी लोग ज्योतिषी भी यही समझते थे कि हमारी पृथ्वी आकाश में स्थित है। हमारी पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? आकाश में। किसी ज्योतिषी के मन में इस सवाल को लेकर कोई नई बात उठी थी कि अभी तो भी धर्मग्रंथों के वचनों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस उनमें नहीं था। धर्मग्रंथों के खिलाफ आवाज उठाने में उनका साहस नहीं था मगर आर्यभट्ट में ऐसा साहस था। परंतु जो आर्यभट्ट थे उनके अंदर ऐसा साहस ताकि वो जब कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा था उसके खिलाफ में आवाज उठा सके। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर जाहिर किए। पृथ्वी के बारे में जो उनके मन में जो विचार थे उन्होंने खुलकर जाहिर किए। आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे। जो आर्यभट्ट थे हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा पृथ्वी स्थिर नहीं। आर्यभट्ट ने क्या कहा? जो हमारी पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है, यह अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। स्थिर कौन है? जो आकाश का तारामंडल है वो स्थिर है। परंतु जो हमारी
पृथ्वी है वह स्थिर नहीं है, ये अपनी दूरी पर क्या चक्कर लगाती रहती है। तो फिर आकाश के तारे हमें चक्कर लगाती क्यों दिखाई देते हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाने का पता हमें क्यों नहीं चलता है? आर्यभट्ट का उत्तर था, समझ लो कि नदी में एक नाव है और वह धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है, तब उसमें बैठा हुआ आदमी किनारे की स्थिति वस्तुओं को उल्टी दिशा में जाता हुआ अनुभव करता है। आर्यभट्ट क्या कहते हैं, समझ लो जब हम एक नदी में जो नाव है वहां पर वह धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है, तब उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है आदमी के किनारे की स्थिति उसे उल्टी दिशा में प्रस्तुत दिखाई देती है। उसी तरह आकाश के तारों की बात है, पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो कैसी होती है, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है और इनके साथ हम भी घूमते रहते हैं और पृथ्वी के साथ हम भी घूमते रहते हैं, इसलिए आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता जान पड़ता है। इसीलिए हमें जो कैसे दिखाई देता है, जो आकाश का तारामंडल है वो हमें पूर्व से पश्चिम मतलब उल्टा प्रतीत होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हुए दिखाई देता है। दरअसल तारामंडल स्थिर है, पृथ्वी ही अपनी दूरी पर चक्कर लगाती रहती है। जो हमारा तारामंडल है वो कैसा है, स्थिर है, इसकी तुलना में जो हमारी पृथ्वी है वो चक्कर लगाती रहती है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है, शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं का व्यक्त करना, इस दशमिक स्थानमान अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से 3-4 सदियों पहले हो चुकी थी, शून्य की खोज 3-4 साल पहले हो चुकी थी, आर्यभट्ट के 3-4 सदियों पहले हो चुकी थी। आर्यभट्ट इस नई अंक पद्धति से परिचित थे, उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथ यानी अरब तक की दशमलवोत्तर संख्याएं देकर लिखा कि इनमें प्रत्येक स्थान को पिछले स्थान से 10 गुना है। आर्यभट्ट के साथ हमारे देश के गणित ज्योतिषी के अध्ययन में कई नई स्वस्थ परंपरागत शुरू हुई, मगर बाद में हमारे देशवासियों ने आर्यभट्ट और उनके आर्यभट्टीय ग्रंथ को लगभग भुला दिया। आर्यभट्टीय ग्रंथ पिछले करीब 1000 वर्षों से उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं था। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भावदाजी ने 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट की ताड़पत्र का सही परिचय मिला। बहुत से लोगों को तो इस महान गणितज्ञ ज्योतिषी के बारे में पहली बार उस समय जानने को मिला जब भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया। जो हमारा भारत का पहला उपग्रह था उसे क्या नाम दिया गया, आर्यभट्ट, और उसे 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। अंतरिक्ष में जो आर्यभट्ट का जो उपग्रह दिया गया तैयार किया गया था उसे कब अंतरिक्ष में छोड़ा गया, 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा है। जो हमारे आर्यभट्ट है प्राचीन समय प्राचीन विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा है। तो आज हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा था कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट के साथ विश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने गणित के बारे में अनेक प्रकार की चीजों का आह्वान दिया है और आर्यभट्ट को काय की उपाधि दी गई थी, गणितज्ञ ज्योतिषी की उपाधि, और उन्हें जो आर्यभट्ट